नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। देश आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्षगांठ मनाने के अंदाज भी अपने अपने सबके निराले हैं। देश इस समय लॉकडाउन के दौर में है। कोरोना का प्रकोप चारों तरफ बढ़ा हुआ है। प्रशासन के सख्त निर्देश हैं, भीड़ न लगाएं, एहतियात बरतें और देश के उन लोगों को, शहीदों को याद करें जिन्होंने आज हमें इस स्थिति में पहुंचाया कि हम आज़ादी खुली हवा में सांस ले सकते हैं। मैं आपको निश्चित रूप से रीवा शहर की एकाध उन घटनाओं से परिचित कराऊंगा जिन्होंने आज़ादी के जज्बे को मनाने के एक नए अंदाज भी निराले तरीके दिखाए। मैं इस समय मौजूद हूँ अमहिया थाने में। यहाँ पर यहाँ के जो टीआई हैं, जो भी यहाँ पर टीआई हैं, उन्होंने अपने ही अंदाज में यहाँ पर 15 अगस्त मनाया। निश्चित रूप से झंडा तो फहराया ही गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से लोगों को, देश को, परिवार को याद किया, वह अपने आप में एक बेमिसाल बात है। आप खुद सुनिए शिवा किस तरीके से देशभक्ति को जगा रहे हैं। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छूके तू, उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पयाम दे, उन्हें जाके तू ये पयाम दे। मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।